بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم قابل احترام میرے بھائیوں دوستو بزرگوں اللہ جل شانہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر دین کو کامل اور مکمل کیا۔ اب اس دین میں نہ کسی طرح کی کمی کی گنجائش ہے نہ کسی طرح کی زیادتی کی گنجائش ہے اور دین کی تکمیل یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین میں زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے تو شریعت کی نگاہ میں مردود ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کہا جاتا ہے دین میں نئی چیز پیدا کرنا، اپنی طرف سے دین میں کوئی چیز گھڑنا، اپنی طرف سے دین میں کسی چیز کو وجود دینا۔ بہت سخت وعیدیں آئی ہیں کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آدمی کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور ایک حدیث کے تحت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی قوم کسی بدعت کو وجود دیتی ہے تو اس جیسی سنت اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہے، لہذا سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب کوئی قوم کسی بدعت کو وجود دیتی ہے تو اسی کے مانند اس قوم سے سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر قیامت تک وہ قوم اس سنت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، بدعت کیا ہے؟ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہر وہ عمل جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے اور ہر وہ عمل جس کا ثبوت نہ احادیث میں ہے،
और हर वो अमल जिसका सबूत न सहाबा के दौर में था, न ताबीन के दौर में था, न तबे ताबीन के दौर में था, उस अमल को सवाब समझ कर करना ये बिदात है। आविष्कार होता है कि बिदात के माना है नई चीज पैदा करना, तो क्या हर नई चीज बिदात है? जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में हमारी तरह किस्म किस्म के खानों का रिवाज नहीं था जो आज के जमाने में है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में हमारी तरह सवारियों का निजाम नहीं था जो हमारे आज के जमाने में है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में किस्म किस्म के कपड़ों का रिवाज नहीं था जो हमारे आज के जमाने में है। तो क्या हर नया खाना और हर नई सवारी और हर नया कपड़ा ये भी बिदअत कहा जाएगा? कि इसे बिदअत नहीं कहा जाएगा, ये तो सहूलत के तौर पर अल्लाह ताला ने हमें दिया है। बिदअत तो कहा जाता है दीन में नई चीज घड़ना, ताल्लुक दीन से है कि दीन में नई चीज घड़ने को बिदअत कहा जाता है। अब बिदअत को इतना संगीन गुनाह क्यों कहा गया? बिदअत को इतना संगीन गुनाह क्यों कहा गया? इसलिए कि दीन में नई चीज पैदा करने वाला हर आदमी इस बात का दावा करता है कि दीन में तकमील ना हो सकी और दीन कामिल ना हो सका और हुजूर अलैहिस्सलाम से दीन की तकमील ना हो सकी, मैं उसको पूरा कर रहा हूं। इसलिए बिदअत इतना संगीन गुनाह है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला के यहां हर गुनाह की माफी है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला दीन में नई चीज घड़ने वाले को तौबा की तौफीक नहीं देते। एक आदमी शराब का आदि है, मुमकिन है कभी तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व ताला उसे माफ कर दे। एक आदमी जुए का आदि है, मुमकिन है कभी तौबा कर ले, अल्लाह इसको माफ कर ले। एक आदमी झूठ बोलने का आदि है, मुमकिन है कभी तौबा कर ले, अल्लाह ताला इसको माफ कर दे। इसलिए कि वो गुनाह को गुनाह समझता है, गुनाह को गुनाह समझता है, लेकिन बिदाती को अल्लाह की तरफ से तौबा की तौफीक भी नहीं होती, इसलिए कि वो बिदात को सवाब समझकर करता है। किताबों में लिखा है कि बिदात ये तो हड़क की तरह है, जैसे कुत्ते को हड़क लगती है वो पानी देख करके भागता है। पानी पीना तो दरकिरा, वो पानी देख करके भागता है। इसलिए कि प्यास और हड़क उसकी रग रग में पेवस्त हो चुकी है, यहां तक कि वो बगैर पानी के ही मर जाता है। इसी तरह बिदाती कुरान सुनता है, हदीस सुनता है, लेकिन उसकी जिंदगी पर न कुरान का असर है न अहादीस का असर है, इसलिए कि बिदात उसकी रग रग में पेवस्त हो चुकी है। होना तो ये चाहिए था वो कुरान सुनता, अहादीस सुनता, उसका अमल कुरान के मुताबिक होता, अहादीस के मुताबिक होता, लेकिन वो कुरान से भागता है, अहादीस से भागता है, यहां तक के बगैर तौबा के ही मर जाता है।
मेरे भाई और दोस्तों, शरीयत मुताहरा ने हर चीज के हद मुतय्यन की है, हर चीज की हद मुतय्यन की है। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देखे, अल्लाह तबारक व तआला मकबूल हज और उम्रे का सवाब देते हैं। अब कोई शख्स अपने वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह देखने के बाद मोहब्बत की ज्यादती में कदम बोसी करता है, पैरों को छूता है, तो उसका शरीयत के अंदर कोई सबूत नहीं है, वो शरीयत की हद को पार करने वाला है। इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर आता है कि जो शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम सुने, वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़े। अब कोई शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम सुनने के बाद दुरूद पढ़ता है और मोहब्बत की ज्यादती में अपनी उंगलियों को बोसा देता है और आंखों पर मलता है, तो इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है, वो शरीयत की हुदूद को पार करने वाला है। इसी तरीके से किताबों में लिखा है कि जब दो ईमान वाले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, उनका हाथ छोड़ने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए मगफिरत के फैसले फरमाते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स हर नमाज में मुसाफे का रिवाज बना ले, तो शरीयत में उसका कोई सबूत नहीं है, वो शरीयत के हुदूद को पार करने वाला है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, वो दीन तो इत्तिबा का नाम है, इब्तिदा का नाम नहीं है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनाए गए, आपने सबसे पहला खुतबा दिया और आपने फरमाया इन्नी मुत्तबिउन, कि मैं तो इत्तिबा करने वाला हूँ अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह के अहकाम को मानने वाला हूँ और उन अहकाम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक पूरा करने वाला हूँ। और फिर फरमाया वलस्तु बिमुब्तदीन, कि मैं शरीयत में और दीन में कोई नई चीज करने वाला नहीं हूँ। इसलिए उलमा से पूछना है क्या दीन है, क्या बिदअत है, क्या बेदीनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उलमा से ताल्लुक रखेंगे, पूछेंगे, हमारे आमाल सही होंगे और हमारे आमाल इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे। अल्लाह ताला कहेंगे सुन्नत से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत पढ़ें।